गर्मी की छुट्टियां खत्म हो रही हैं और अब टीचर्स और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स स्कूल के नए साल की तैयारियों में लग गए हैं। हमारे शहर में एक नए किस्म का स्कूल खुलने जा रहा है जिसकी दीवारों पर होंगी रंग बिरंगी तस्वीरें। देखो मैं बड़ी हो रही हूँ हर साल, देखो मैं बड़ी हो रही हूँ हर साल, देखो मैं बड़ी हो रही हूँ हर साल। और इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स सभी स्कूल के नए। मुझे भी स्कूल जाना है बाकी सबकी तरह। पास होकर नए क्लास में जा रहे हैं और खासकर वो जो पहले मेरे लिए एक स्कूल बनाओ अपना अद्भुत और प्यारा सा सफर शुरू करने। कल मैं स्कूल जाऊंगी, मेरे लिए डेस्क बनाना मत भूलना। Shaka!
और बैर की माशा। बैर खाता है पॉरिज, बैर है दोस्त माशा का। बैर सिखाता है माशा को। बैर और माशा है दोस्त, पक्के दोस्त। Good SH up, wood shop. देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। मुझे भी हाय कहना है। लो आ गया हमारा प्यारा पांडा, हमारा प्यारा दोस्त। Thank you.
जाना आता है और तुमने मुझे कभी सिखाया नहीं। चलो ठीक है, अब तुम मुझे सिखा दो। अरे वाह, ये पियानो तो सच में कमाल का है। तो कहाँ है की, कहाँ है बोर्ड? ओह वाह, मैं अब तक पियानो के बिना कैसे जी रही थी। मेरी जिंदगी में बस म्यूजिक की ही कमी थी। अब चलो मुझे सिखाओ। मुझे तो बस मशहूर होने का इंतजार है। मैं भला स्केल्स की प्रैक्टिस क्यों करूं? अच्छा बजाने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। चलो अब थोड़ा म्यूजिक हो जाए। सबसे जरूरी होता है ऑडियंस के सामने बजाकर बाव करना। ओ, मुझे ये स्केल्स अच्छे नहीं लगते। ओ, हाँ।
बच्चे का पेट भर गया क्या? मेरा छोटा सा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ? चलो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। बेर, चलो देखो बच्चा बड़ा हुआ या नहीं। बेर, 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 जरूरत के वक्त तुम कहाँ चले जाते हो? मुझे देखना है मेरा बच्चा बड़ा हुआ या नहीं।
बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। पेड़। ओप्स। मतलब है मैं जरा भी बड़ी नहीं हुई? कैसे हो गए? ये मुझे क्या हो रहा है? सच कहूं तो मुझे बड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बताओ, क्या मैं पहले जैसी हो गई? चलो हम ये बात चेक कर लेते हैं। हाँ, छोटा होना ही सबसे अच्छा होता है। चलो शुरू करें। बेड पर लेट जाओ, खुद पर कंबल डालो और अब डरना शुरू कर दो। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक डरावनी कहानी, ऐसी जो आपने कभी ना सुनी हो। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका ट्रांसफर हुआ था एक नए स्कूल में। उसका पुराना स्कूल अच्छा था, पर वो रिपेयर के लिए बंद था। सिरियासा को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया गया था और
वो उस स्कूल में पहली बार जा रहा था। वो चलते चलते सोच रहा था वो दूसरा स्कूल कैसा होगा। जरूर उसमें सब कुछ अलग होगा, डरावना। उसने सोचा पूरी छत गल गई होगी, दरवाजे ढीले, एक टूटी हुई दीवार के पास पड़ा होगा एक बेकार कॉफिन, हर तरफ हड्डियां बिखरी होंगी और एक खिड़की से एक कंकाल आएगा सबसे मिलने। ये सोचना बेकार था या डरावना था, पर पढ़ाई ना कर पाना और भी डरावना होता है। पर अगर वो स्कूल अलग होगा तो वहाँ के टीचर्स भी अलग होंगे और इंसानों जैसे नहीं होंगे। उनके हाथ में होगी एक टेक्स्ट बुक और दूसरे में एक मगरमच्छ के खाल की बेल्ट। बस उस बेल्ट को देखने से ही बच्चों की आंखों में आंसू भर आते होंगे। क्लास में वहाँ के अजीब बच्चे कुछ अलग ही चीजें सीखते होंगे, देश दुनिया की बातें नहीं, पर कुछ बहुत बहुत ही मुश्किल, कुछ बहुत ही गंदा सा। मिसाल के तौर पर उन्हें कैंटीन में खिलाए जाने वाली चीजें। और अगर आप क्लास में गंदे बालों वाले कैटरपिलर के पैर गिन ना पाओ तो आपको फौरन मिल जाते हैं कम मार्क्स, मेरा मतलब है 2 मार्क्स, नहीं -2। और -2 मिलना तो फेल होने जैसा ही होता है। इस दूसरे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का मतलब एक्सरसाइज नहीं बल्कि किसी रिंग में लड़ाई करना होता है, बिना रूल्स की बॉक्सिंग, और वो भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ। हारना तो तय है, पर बाय चांस अगर आप सही सलामत बच गए तो आपको स्कूल ड्यूटी पर लगाया जाता है। और सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी। आपको रात भर एक खाली स्कूल में घूमते हुए चूहों को भगाना होता है ताकि वो बायोलॉजी रूम में जाकर वहां रखे कंकाल को ना चबा पाए। और अगर आप सुबह तक बच जाओ और आपकी मम्मी आपको लेने आए तो वो एक बिल्कुल अलग ही मम्मी होगी, अनजानी सी, और वो हाथ पकड़कर आपको घर ले जाएगी, पर वो घर एकदम ही अलग होगा। और फिर सीरियोसा डर के मारे चीख पड़ा। उसने आसपास देखा और वो बच्चों से भरे हुए क्लासरूम में था और टीचर ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा नया स्टूडेंट, इसे दूसरे स्कूल से यहाँ ट्रांसफर किया गया है। पर अचानक सारे बच्चे चीखने लगे और उससे दूर भाग गए। सीरियोसा को ताज्जुब हुआ, तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर एक लड़की ने अपनी डेस्क से सिर बाहर निकाल कर पूछा, क्या तुम काटते हो? नहीं, सीरियोसा ने कहा, मैं कभी किसी को नहीं काटता, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। जरा बताओ तो तुम्हारे बैग में किस तरह का मॉन्स्टर है? मेरे बैग में तो बस टेक्स्ट बुक्स है, कोई मॉन्स्टर नहीं। तो फिर हो सकता है तुम्हें कोई भयानक बीमारी हो और फिर बैम, वो बीमारी पूरे क्लास में फैल जाएगी। मुझे कोई बीमारी क्यों होगी, या मैं क्यों काटूंगा, या मेरे बैग में मॉन्स्टर क्यों होगा? तुम यहाँ के नहीं हो, टीचर ने कहा था तुम दूसरे स्कूल से हो। सीरियोसा जोर से हंस पड़ा और उसे एहसास हो गया कि असल में स्कूल्स अलग होते ही नहीं है, सारे स्कूल्स एक जैसे होते हैं और दूसरे नॉर्मल स्कूल्स में टीचर्स नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए आपको किसी से भी डरना नहीं चाहिए। हर एक स्कूल के कबर्ड में कंकाल रखा होता है बायोलॉजी की क्लास में, पर उसकी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।